हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना कि जैसे आप देख ही रहे हो, काफी सारी मैंने क्वेरीज वगैरह उठाई हैं और आई थिंक ये क्वेरी जो 11 या 12 है ये आई थिंक मैंने कलेक्ट करने में काफी टाइम लगा, काफी वगैरह मैंने कॉमेंट वगैरह पढ़े हैं आपके, तो वहां से जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकल के आए हैं ना, मतलब कॉमन कमेंट्स निकल के आए हैं, तो उसके ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन तो बहुत ही जरूरी है प्रेस करना आपके लिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। तो जैसे आप देख सकते हो, काफी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, चाहे किसी भी कंपनी से कोई भी अपडेट आए या हमारा कोई सब्सक्राइबर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे, तो मैं सोचता हूं उसके लिए एक वीडियो होनी चाहिए, ताकि काफी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती है, तो मैं उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं, ठीक है। और काफी अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी वगैरह मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको किसी भी कंपनी से कोई भी डाउट है ना, तो यहाँ पे हमारे पास प्लेलिस्ट है, आपका प्लेलिस्ट से आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, जो कुछ कॉमन क्वेश्चन उठाए हैं, तो यहाँ देख सकते हो काफी कमेंट, यही सारे मैं पढ़ रहा था, तो यहीं से। और ये ना कल एक वीडियो आनी है, कल दो वीडियो आएगी, तो मैं आपके सारे कमेंट ना उसमें रिप्लाई करने वाला हूँ वन बाय वन। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलो फिर उस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वन बाय वन जो कॉमन क्वेश्चन है ना, तो कॉमन क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करने वाला हूँ आपके, ठीक है। तो चलो मैं उसको स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने उस प्लेलिस्ट क्या बोलते हैं उस स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ 11 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, टोटल 10 है, और ये जो है ना टोटली एमएनसी की है, और यही सारे कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो है, आई हैव 2 और 3 ऑफर्स इन हैंड, विच टू चूज, ठीक है। अगर आपके पास इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस का है, तो जैसे आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो है वो इसी के ऊपर थी कि कौन सा एक पर्सन को 3 ऑफर आया, उसी पे ये कमेंट आया था कि मेरे पास भी 3 ऑफर है तो कौन सी सिलेक्ट करनी है। लेकिन अगर मान लो आपके पास चाहते हो कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं, अगर नॉन आईटी से हो और आपको कोई भी नॉलेज नहीं आईटी की, तो आपको चाहते हो अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो इन्फोसिस बेस्ट है, ठीक है। अगर आप बस चाहते हो कि किसी भी कोई भी जॉब मिल जाए, जस्ट हम सर्वाइव कर ले, हमको एक्सपीरियंस मिल जाए ताकि हम आगे हाइक वगैरह ले ले स्विच करके, तो आप विप्रो और टीसीएस में जा सकते हो। पर मेरा मानना यह है ना कि आप इन्फोसिस को ही सिलेक्ट करना अगर आपके पास 2 या 3 ऑफर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। चाहे आप मेरी वीडियो देखो, चाहे किसी की भी ना देख लेना, अगर आप कोई भी ऐसी वीडियो की 2-3 ऑफर वाली, तो वो हमेशा आपको सजेस्ट करेगा इन्फोसिस ही, ठीक है। देन अगला है कि इन्फोसिस की जो नेक्स्ट हायरिंग होगी वो कब होगी, क्या वो मई में होगी या जून में होगी। तो अभी अभी ना कोई हायरिंग चल नहीं रही है, इनकी जो फर्स्ट हायरिंग थी जो एसपी और डीएससी रोल के लिए, जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और क्या बोलते हैं डिजिटल सिस्टम इंजीनियर के लिए, उसका एग्जाम है कल, यानी कि अभी जो मास हायरिंग होती है ना वो अभी आई थिंक मई के मिड या जून से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मान लो कि मई या मिड या जून से स्टार्ट होगी। और सुपर आईडी इज नॉट वर्किंग और शोइंग नॉट एलिजिबल, तो इसमें ना काफी क्वेश्चन थे कि जो मैंने सुपर सेट वाली आईडी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था ना कि कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, तो उसमें जो कॉमन क्वेश्चन था ना कि मेरा जो कॉलेज ही नहीं आ रहा है, ठीक है, और जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आ रहा है रोल नंबर बार बार, कि मैं अगर मैं दूसरी आईडी भी बना रहा हूँ तो ऐसा होता है ना कि उनका जो डेटाबेस होता है सुपर सेट का, अगर आपने उस वो वाला क्या बोलते ये रोल नंबर आपने फिल कर दिया, चाहे आप 10 आईडी बना लो, वो बार बार ही आएगा, ठीक है। तो उसमें मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कि अगर आपने एक बार भर दिया तो वही जो आपने सबसे पहली आईडी बनाई थी ना उसी से ही फिल करने का वो करो। और दूसरा, क्योंकि ना आपका क्या बोलते कॉलेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर हायरिंग में आपका कॉलेज इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कुछ टीयर 2 टीयर 1 टीयर 3 ऐसा कुछ होता है, अगर टीयर 2 और 1 2 लिखा होगा मे भी आपका कॉलेज टीयर 3 से हो, इसलिए नहीं होता, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि अगर आपका वो रोल नंबर वाला और शोइंग ये वाला, ठीक है, अपियर ट्वाइस इन इन्फोसिस एंड सिलेक्टेड इन वन ऑफ व्हाट नेक्स्ट। सो अगर आप मान लो कि जनवरी वाले में आप सिलेक्ट हुए हो, ठीक है, तो ठीक है, जनवरी और आपने क्या बोलते फरवरी में दिया है, ठीक है, पर आप सिलेक्ट हुए हो जनवरी में, तब तो कोई इशू नहीं है। अगर आप सिलेक्ट फरवरी वाले में हुए हो तब थोड़ा इशू हो सकता है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हाँ यार आप रिजेक्ट ही कर देंगे, मे भी आपकी शायद किस्मत अच्छी हो, मे भी आपके ऊपर भगवान की कृपा बच सकते हो, क्योंकि अगर आप जनवरी में सिलेक्ट हुए हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ना वो पता क्या देखते हैं, जैसे कि आप
जनवरी में आपने एग्जाम लिखा ऑनलाइन टेस्ट, तो देखेंगे ना इससे पहले 6 मंथ, क्योंकि जनवरी में 6 मंथ का क्राइटेरिया था, ठीक है, उससे पहले 6 मंथ आपने अप्लाई किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। फिर आता फरवरी वाले में ऐसा हुआ था कि ये 3 से 6 महीने में आ गया था, ठीक है, तो ये 3 महीने चेक करेंगे, तो आपने जनवरी में अपीयर हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर अब इंटरव्यू रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ऑफ टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग, तो ये वाला जो डाउट था ना काफी आया, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको करना क्या है। वाला जो डाउट था ना ये वाला भी काफी आया हुआ है कि जो ऑफ कैंपस की हायरिंग है उसका रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम सिलेक्ट हैं कि रिजेक्ट हैं, तो मैं ये आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो भी ना आता है ना ये ना आपके कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू नहीं होती, इन्फोसिस और एसेंचर की तरह, ये ना उनका जो टीसीएस का नेक्स्ट पोर्टल होता है ना, अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो वहां बैच का ऑप्शन आ जाएगा और उसके आई थिंक कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद तो आपको ईमेल भी आता है, वो ईमेल होता है कि आपको इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, सिलेक्शन रिजेक्शन का मेल नहीं आता है। ये बात याद रखना, वहां सिर्फ ना जो टीसीएस का नेक्स्ट पोर्टल है वहां पर जस्ट आपको आ जाएगा बैच का ऑप्शन और आई थिंक 1 या 2 दिन बाद आपको इंटरव्यू शेड्यूल का ईमेल आएगा, सिलेक्शन रिजेक्शन का मेल नहीं आता टीचर्स की तरफ से, ये बात याद रखना, ठीक है। देयर आर अपीयर्ड इन कॉग्निजेंट जेंसी प्रोफाइल स्टिल नो अपडेट, और यहाँ पर 2 सीन हो रहा है, एक में आ रहा है ना कि एक आई थिंक कॉमेंट मैंने पढ़ा था कि मेरे को आ रहा है कि मुझे ऑफर लेटर आ चुका है पर मुझे कुछ अलॉट ही नहीं हुआ है, तो इस केस में आप अपना वेट करो, वहां पे अगर आ गया है तो मे भी थोड़ा सा टाइम लगे, कंपनी आपको ईमेल वगैरह करेगी। और कॉग्निजेंसी वाला है ना ये आई थिंक मार्च के मिड या हाँ लास्ट में हुआ था, तो आई थिंक कभी कभी टाइम लग जाता है क्योंकि ऑफ कैंपस हायरिंग में चाहे जो भी कंपनी हो, ये नहीं कि इन्फोसिस ही स्लो है, काफी कंपनियां भी स्लो है एसेंचर को छोड़ के, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेन इन्फोसिस डिक्लेयर फरवरी एंड मार्च इंटरव्यू रिजल्ट, ठीक है, तो इसको मैं एक सिंपल वे में आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपका मान लो फरवरी से स्टार्ट करते हैं, 1 फरवरी को अगर आपका एग्जाम हुआ क्या बोलते ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, तो आप मार्च अप्रैल 1 मार्च तक अप्रैल तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, तो ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर आपका 1 अप्रैल तक नहीं आया तो बहुत रेयर केस होते हैं, मान लो अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया ना, 70 लोग आ गए 1 महीने में कुछ भी सिलेक्शन या रिजेक्शन, वो 30 लोग बच गए, तो उन 30 लोगों में से ना 15 लोगों का कुछ आता ही नहीं है, और लास्ट के जो 5-10 लोग बचे वो मतलब कि 15, और लास्ट मान लो 5 लोग जो ऐसे होते हैं जिनका 2 या 3 महीने बाद भी आता है, तो मेरा सजेशन ये है, तो ऐसा ही वाइस वर्षा 1 फरवरी को हुआ चाहे 10 फरवरी को हुआ है, वहां से 2 महीने काउंट कर लो, अगर आपके 2 महीने अभी तक नहीं हुए तो वेट कर लो, अगर हो चुके हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप और भी ट्राई करो, और जो ये वाला जो ना इन्फोसिस वाला इसे भी आप चेक करते रहो इन्फोसिस की वेबसाइट पर जाके, और बाकी आपको ऑफर लेटर आना होगा तो ईमेल पे ही आएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप कमेंट करना लगना कि 3 मार्च को हुआ था, तो यहां से आप 2 महीने देख लो कितना होता है, 2 महीने होगा मार्च का, 3 मार्च को हुआ तो 3 मई, ठीक है, तो वेट कर लो, चाहे आपका 10 मार्च को हुआ, 20 मार्च को हुआ, 30 मार्च को, तो वहां से आप 2 महीने काउंट कर लो और वहां तक वेट करो, अगर उसके बाद नहीं आता है तो आप अपने आपको अज्यूम कर सकते हो कि हाँ यार मैं रिजेक्ट हो गया हूँ या आगे कुछ नहीं आने वाला है। और ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि बहुत रेयर केस में ये होता है कि उनका 2 या 3 महीने बाद भी उनके फेवर में ही रिजल्ट आए, तो वेट करने से अच्छा है कि और भी कंपनियां में अप्लाई करो, क्योंकि हर दिन काफी ऑफ कैंपस हायरिंग आ रही है, अभी अभी एचसीएल की आई है जो सुबह वीडियो आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हो, एसेंचर की चल रही है, ठीक है, और आने वाली एमएनसी की बहुत सारी आने वाली है, तो वेट करो, काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और नॉट गेट अ शॉर्ट लिस्टेड ईमेल फ्रॉम एसेंचर, तो ये वाला भी क्वेश्चन काफी आ रहा है कि मैं एसेंचर में काफी बार अप्लाई किया है पर शॉर्ट लिस्ट का ईमेल ही नहीं आता है, तो ऐसा होता है ना अगर आप उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे, ठीक है, तो चाहे जो मर्जी आप कर लो आपको नहीं आने वाला, ठीक है, तो आपको ना ध्यान से आपको याद रखना है कि सबसे पहले अपना पैन कार्ड कलर्ड होना चाहिए और सब कुछ उसमें विजिबल होना चाहिए, एक चीज ये याद रखना, आप जो फोटो वहां अपलोड करो वो बिल्कुल विजिबल हो, ठीक है, और तीसरा जो आप रिज्यूमे अपलोड करो तो वो ना आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो कि उसमें क्या मेंशन है पर्टिकुलरली किस चीज के लिए कौन सी स्किल ये मांग रहे हैं, तो वहां पे अपना ना वो स्किल अपने रेज्यूमे में हाईलाइट जरूर करना, ठीक है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं अगर ये 3 चीजें आपकी बिल्कुल परफेक्ट है ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको शॉर्टलिस्ट का ईमेल आएगा ही आएगा। पहली चीज जो आपका पैन कार्ड है
और आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, जो आप फॉर्म भरोगे और पैन कार्ड में भी वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पैन कार्ड, और कलर्ड होना चाहिए, और आपके वहाँ डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, डिजिटल नहीं मतलब फिजिकली सिग्नेचर होने चाहिए। एक चीज ये होगी, आप जो पिक्चर वहां पे अपलोड करो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और तीसरा आपका रेज्यूमे, तो आपको शॉर्टलिस्ट का ईमेल 100% आएगा। तो ये वाला है कि 2022 बैच की जो ट्रेनिंग होने वाली है क्या वो मैसूर में ही होगी, तो ये ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, तो रिजल्ट ही नहीं आया हो 22 बैच का, तो आप वेट करो, मे बी आपका जून में ही आएगा या मई के लास्ट में, क्योंकि इससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये मैं आप 10वीं बार बोल रहा हूँ कि जब तक एग्जाम नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैं खुद इसका वो हूँ, ठीक है, इस क्या बोलते हैं, इस क्या बोलते सिनेरियो का, मेरे पास, मैं 21 बैच का हूँ, पर कोविड की वजह से ना मेरा क्या बोलते हैं एग्जाम ही फरवरी मार्च में हुआ, और अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया है, और मैंने एक्सटेंशन अप्लाई किया, आई थिंक लास्ट इस वीक में आ जाएगा, तो जब भी मुझे ऑफर लेटर आएगा, तो आप देख रहे हो ना मैं 21 बैच वाला हूँ, मेरे पास लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं था, तो मेरे को एक्सटेंशन लगी, आप तो अभी अपियर ही नहीं हुए हो, ठीक है, समझ सकते हो, थोड़ा वेट करना जरूरी है। और अगला क्या है, व्हेन ऑल एमएनसी स्टार्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस इन 2022, तो अभी भी ना किसी भी कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जो उनके एम्प्लॉयज हैं, फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन एम्प्लॉयज का ही नहीं आया है। तो अभी धीरे धीरे, जैसे कि आपको देखा ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बुलाया है, ठीक है, और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां बुला रही, धीरे धीरे बुला रहे हैं, जो भी उनको भी बुला रही है, जो सिर्फ आई थिंक थोड़े नजदीक है, वो नहीं कि काफी दूर, मान लो कि बैंगलोर जाना है आपने चंडीगढ़ से, तो वो ऐसा करेंगे कि आपको ऑनलाइन ही करेंगे। अगर मान लो आप दिल्ली हो, हैदराबाद जाना है, तो मे भी थोड़ा नजदीक है, थोड़ा नजदीक नहीं बस थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली 6 घंटे का रास्ता है, और फ्लाइट से आई थिंक 1-1.5 घंटे का है, तो वही ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। तो अभी तो मान लो जून में या जून के लास्ट या जुलाई में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर आएगी, ठीक है। आई होप आपके जो सारे डाउट है ना इस वीडियो में, तो काफी अवेटेड वीडियो थी मेरी तरफ से भी, और काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, काफी कमेंट करने पढ़ने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना, और हाँ कल एक वीडियो आ रही है, दो आएंगी, आपके जितने भी कमेंट है ना सारे मैं रिप्लाई करूंगा वन बाय वन, कुछ बड़ी वीडियो हो जाएगी पर मैं ट्राई करूंगा सारे ही रिप्लाई करूं, ठीक है। बस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।